कोई किसी तरह की परेशानी में ना आए। हम ये भी अपनी ओर से बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो दिन पहले जो है लॉकडाउन में अन्य प्रदेशों से फंसे हुए जो भी लोग हैं उनसे अपील लगातार वो कर रहे हैं, हर 12 घंटे में उन्होंने अपील की है। आज उन्होंने केरल के लोगों से, वहां से केरल के हमारे जो नोडल ऑफिसर है मिनिस्ट्री, उन्होंने बताया कि केरल से कुछ लोग जो है मिनिस्ट्री जो नोडल ऑफिसर है उनसे संपर्क कर रही थी। तो केरल के लोगों के लिए अभी हमने आपके मीडिया के ग्रुप में डाला है, केरल के लोगों से जो है जहां पर यूपी के लोग हैं उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है अपनी ओर से अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुनः अपील पूरे अपने यूपी के जो भी बाहर अन्य अन्य प्रदेशों में हैं उनसे अपील की है कि जो भी जहां भी जिस भी रूप में लॉकडाउन में है वहीं रहे, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, किसी भी सूरत में चले ना, क्योंकि अगर वो चलेंगे तो वो अपनी भी स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के या अपने मित्रजनों के स्वास्थ्य के लिए और कहीं ना कहीं अपने समाज में जहां जहां जा रहे हैं उनके सभी स्वास्थ्य के लिए जो है खतरा बन सकते हैं। मैं ये भी आपको जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः ये निर्देश दिया है कि जो जो प्रदेश के नोडल अफसर हैं जिनके साथ आज बैठक भी की है, हर व्यक्ति जो फोन करता है हमारे नोडल ऑफिसर्स को, उस नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी तय की है सीनियर ऑफिसर्स की कि वो सबका समाधान करें। हर प्रदेश के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, गृह विभाग के हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, बाकी जो और विभाग के अधिकारी हैं, वहां के पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके उनके भोजन की, उनके रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एक निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है जो नोएडा, गाजियाबाद और पूरे प्रदेश के लिए दिया है कि कोई भी मकान मालिक, अगर कोई हमारा कामगार है, कोई मजदूर है, तो उससे एक महीने का किराया किसी रूप में नहीं लेगा। हम आपके माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनके लिए किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति उनका जो है किराया नहीं लेगा। ये जो आह्वान है पूरे देश के लिए, एक महीने के लिए, फिलहाल एक महीने के लिए कोई भी किराया नहीं लेगा। और